अस्सलामुअलैकुम, मैं ग़ुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा पेने पास्ता विद चिकन बैक स्टाइल में हम लोग किस तरीके से बनाते हैं अरबिक स्टाइल में। ये बैक करके हम लोग बनाएंगे वाइट सॉस के साथ। तो मैं सॉस भी बता रहा हूँ आपको किस तरीके से बनाते हैं और इसे किस तरीके से बनाते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेसन सॉस किस तरीके से बनाते हैं। एक पॉट ले लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं 1 लीटर मिल्क। अब इसे इसमें हमें ऐड कर लेना है वाइट ओनियन 1 पीस, ये कट करके जो भी आता है। 3 पीस हमारा क्लॉव्स रहेगा और 3 पीस बे लीफ रहेगा। इसे अब हमें बॉईल कर लेना है अच्छे से। देखिए हमारा बॉईल हो गया। अब इसे हमें स्टैंड कर लेना है स्टैंडर्ड में। जो हमने बे लीफ ऐड किया था और वाइट ओनियन था उसे हमें रिमूव कर देना है, फेंक देना है। अब फिर से हम एक पॉट ले लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं 100 ग्राम बटर, उसे मेल्ट कर लेते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए उसमें ऐड करते हैं फ्लावर 100 ग्राम। अब उसे हमें ब्राउन कर लेना है अच्छे से, ताकि इसका स्मेल खराब चला जाए। देखिए इस तरीके से ब्राउन करते हैं। 2 मिनट ब्राउन करने के बाद जो हमने मिल्क लिया था, जो स्टैंड किया हमने मिल्क है, उसमें ऐड कर लेना है। हमें अब मिल्क को ऐड कर लेना होता है, अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना होता है, ताकि ये दाना दाना ना आए और स्मूथ हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं सॉल्ट 1/2 स्पून, और साथ ही साथ 1/2 स्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड करना है। ब्लैक पेपर नहीं, वाइट पेपर ऐड करना है, ठीक है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये थोड़ा थिक होने देते हैं इसे। अब इसमें ऐड करते हैं परमेसन चीज़, ठीक है। तब ये है हमारा सॉस रेडी हो गया है। अब इसे एक साइड करके रख देते हैं। देखिए स्मूथ हो गया। अब हम लोग पास्ता बॉईल कर लेते हैं। पैन में पास्ता हमारा है, उसके लिए पानी वाटर ऐड कर लेते हैं पॉट में, उसे हीट करते हैं। उसमें ऐड करते हैं सॉल्ट और ऑयल, ताकि ये पेने बॉईल कर सके। अब पेने पास्ता हमारा है 400 ग्राम, उसे हम बॉईल कर लेते हैं। देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्टैंड कर लेते हैं, स्टैंड करके एक साइड कर। अब हम चिकन बना लेते हैं, उसके लिए एक पॉट ले लेते हैं। उसमें ऐड करते हैं 1 स्पून बटर, ऐड कर लेते हैं मेल्ट होने के बाद ओनियन 1 पीस चॉप ओनियन, उसे अब 2 पीस गार्लिक चॉप ऐड कर लेते हैं। अब हमने क्यूब चिकन कट करके रखा है, उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे थोड़ा टॉस्ट करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें सॉल्ट टेस्ट के अनुसार जितना चाहिए, एंड वाइट पेपर पाउडर। अब इसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं मिक्स कैप्सिकम, पेपर हमारा है ग्रीन रेड येलो चॉप्ड किया हुआ, इसे ऐड कर लेते हैं। करने के बाद 2 मिनट में इसे फायर क्लोज करके, उसके फ्रायर क्लोज करने के बाद इसमें पास्ता ऐड करेंगे, ठीक है। पास्ता ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मिक्स करना है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहे तो इसमें वाइट सॉस ऐड करके डायरेक्ट भी खा सकते हैं, या फिर हम लोग बैक स्टाइल में बना रहे हैं बेक करेंगे ओवन में, वो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए हमारा दोनों रेडी हो गया है। अब एक ट्रे ले लेते हैं, कांच का या फिर किसी चीज़ का जिसमें आपका हो जाए। अब इसे लेयर बना लेते हैं, पहले पास्ता ऐड करते हैं, फिर उसका उस पर सॉस ऐड करेंगे, इसके ऊपर फिर जो हमने बेचामिल सॉस बनाया था उसे ऐड कर लेते हैं। अब फिर से हम पास्ता ऐड कर लेते हैं ऊपर से। देखिए फिर से पास्ता ऐड कर लिया हमने। अब इसके ऊपर फिर से हमें सॉस ऐड कर लेना है। हमारा लेयर बन गया 2 लेयर आराम, इस तरीके से लेयर बना लीजिए। अब उसमें ऐड कर लेते हैं मोजरेला चीज़, ग्रेट किया हुआ हमारा मोजरेला चीज़ है, उसे ऐड करते हैं बेक करने के लिए। अब उसके ऊपर ऐड कर लेते हैं चीदर चीज़, ये ऐड कीजिएगा तो आपका कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा, जिस तरह हमारा कलर आया है। अब इसे हमें ओवन में बेक कर लेना है 160 पर 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। देखिए हमारा 20 मिनट्स हो गया है, अब हमारा बेक हो गया, आपको दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारा, इंशाल्लाह। अब इसे आप खा सकते हैं, ये रेडी हो गया है हमारा। इसे प्लेट में लेकर आप सर्व कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।